सिख गुरु नानक देव 1469 से 1539, ये तलवंदी नानकाबाद में 1469 में जन्म लिए थे और करतारपुर में मर गए। लंगर का व्यवस्था किया था इन्होंने पंगत का, संगत विद गुरु। फिर आए अंगद 1539 से 1552। इनका रियल नाम था लहना। इन्होंने लंगर को परमानेंट कर दिया, गुरुमुखी एडिक इन्होंने डेवलप किया था अंगद ने। फिर थर्ड नंबर पे अमरदास आए, गद्दी गोविंदवाल में स्थापित हुआ इनका। पारिवारिक जीवन को कुप्रथा बोला। इनकी बेटी थी बीबी भानी, जिसको 500 बीघा जमीन अकबर दिया था। तो इनका बीबी भानी के जो हस्बैंड थे रामदास, वो नेक्स्ट बने गुरु 1574 से 81 तक। और इनको जो दान में भूमि मिला था इनकी वाइफ को 500 बीघा अकबर ने जो दिया था, उस पर ही अमृतसर नगर रामदासपुर से बनाया। और रामदास का जो बेटा था अर्जुन देव, वो पाँचवा गुरु बना 1581 से 1606 अकबर के टाइम में। इन्हें सच्चा बादशाह बोला जा गया अकबर के द्वारा। अमृतसर में तालाब के मध्य में इन्होंने ही हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल बनवाया था और बाद में इसको अच्छे से डेवलप मतलब हरमिंदर साहिब बनाया, इसको गोल्डन टेम्पल ये सब रंजीत सिंह बनाए थे 1589 में। 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा, सिख धर्म की बातें सूफी के विचार, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला के आदि ग्रंथ लिखा था। गुरु ग्रंथ साहिब इन्हीं को इसी चीज़ को बोला जाता है आदि ग्रंथ को। जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि क्या हुआ था, जहांगीर का बेटा खुसरू जो जहांगीर के अगेंस्ट में था उनको शरण दे दिया था, अरविंद देव ने शरण दे दिए थे। तो गुरु का उसके बाद क्या हुआ, गुरु का अपन वंशागत हो गया, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब अब अरविंद देव के डिसेंडेंट ही बनेंगे गुरु।